नवंबर का महीना वो महीना है जिस समय की हमको चाह थी, और आज की इस वीडियो में मैं बात करने वाली हूँ उसी नवंबर महीने के सिंह राशि फल के बारे में। जय माता दी दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल अमृता एस्ट्रो में, और इस वीडियो में बात करेंगे इस नवंबर माह के राशि फल के बारे में। ऐसा वो क्या समय था, ऐसा इस नवंबर के महीने में ग्रहों का क्या खेल है जिसकी वजह से ये महीना इतना खास है। पिछले कई वीडियोस में हमने इस महीने के बारे में चर्चा भी की है कि आपके लिए नवंबर का महीना वो महीना है जो सारे पिछले दुखों को भुलाकर खुशियों की सौगात लेकर आने वाला है। तो सबसे पहले ग्रहों की स्थिति के बारे में और इस महीने में होने वाले शुभ पर्वों के बारे में बात कर लेते हैं। बस आगे बढ़ने से पहले एक छोटा सा निवेदन है, चैनल पर पहली बार आए हैं और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। तो देखिए, ग्रहों की पोजीशन अगर देखी जाए तो आपकी राशि सिंह राशि जिसके स्वामी होते हैं सूर्यदेव, सूर्यदेव अभी महीने की शुरुआत से अपनी नीचस्थ राशि तुला राशि में मौजूद है, जो कि यहां आपके तीसरे घर में है। तीसरे घर में सूर्य की उपस्थिति है, लेकिन 16 नवंबर को सूर्य का राशि परिवर्तन आपके चौथे घर में होगा, जो एक बहुत शुभ पोजीशन होगी आपकी राशि के स्वामी की। क्योंकि जब राशि का स्वामी केंद्र में जाता है तो वो सबसे अच्छा होता है आपके पूरे व्यक्तित्व, आपकी पूरी कुंडली के लिए। अभी मैं सिर्फ गोचर की बात कर रही हूं। दूसरा, शुक्र का राशि परिवर्तन है। शुक्र जो है वो आपके चौथे घर में विराजमान है 7 नवंबर तक, और बुध भी साथ में बैठे हुए हैं। बुध के साथ क्या कर रहे हैं, नारायण योग बना रहे हैं, लेकिन 7 नवंबर को ये यहां से राशि बदल के चौथे घर से पंचम घर में आ जाएंगे। पांचवा घर किसका है, गुरु का, और गुरु कहां है, शुक्र की राशि में। एक देखिए बहुत अच्छा योग बना है यहां कि गुरु शुक्र की राशि में है वृषभ राशि में, और शुक्र आ जाएंगे गुरु की राशि में। ये एक जो परिवर्तन योग बना है बड़ा ही उत्तम है। एक दैत्य गुरु है और एक देवताओं के गुरु हैं, दोनों एक दूसरे की राशि में राशि परिवर्तन करके आ चुके हैं, तो परिवर्तन योग का जो प्रभाव है बहुत जबरदस्त देखने को मिलता है। तो शुक्र यहां नारायण योग, उसके बाद यहां शुक्र का राशि परिवर्तन हो जाएगा, सूर्य यहां बुधादित्य राजयोग बना लेंगे। एक जो सबसे बड़ा गोचर इस महीने में है वो क्या है, शनि का। शनि जो अभी तक वक्री चल रहे थे और आपके सप्तम भाव के स्वामी हैं और छठे भाव के स्वामी भी हैं और सप्तम में ही हैं, ये 15 नवंबर को मार्गी हो जाएंगे। इनका मार्गी होना कई तरह के प्रभावों को जन्म देगा। जो वक्री रहकर आपके दाम्पत्य जीवन में, आपके व्यापार में कमी ला रहे थे, मार्गी होने के बाद उन सभी में ये अच्छे रिजल्ट देना शुरू करेंगे। मंगल वो आपके 12वें घर में नीचस्थ होकर बैठे हुए हैं, और राहु और केतु, तो केतु यहां और राहु यहां है। चलिए अब ओवरऑल सारी चीजों की बात कर लेते हैं। सबसे पहले मैं करियर की ही बात करूंगी। तो देखिए, आपका करियर का घर कौन सा है, ये आपका करियर का घर 10वां घर है, जहां पर गुरु विराजमान है, और गुरु की यहां देखिए गुरु यहां विराजमान है, और गुरु है किसके स्वामी, गुरु है आपके नवम भाव पंचम भाव के स्वामी और आपके अष्टम के स्वामी। गुरु का यहां बैठना, आपके राशि स्वामी का यहां बैठना आपको अच्छे रिजल्ट दिला रहा है। साथ में शुक्र और बुध, शुक्र और बुध ये आपके केंद्र में बैठे हुए हैं, तो ये क्या कर रहे हैं, दशम भाव का स्वामी केंद्र में ही बैठा हुआ है, आपका बिजनेस अच्छा चलेगा, आपकी नौकरी अच्छी चलेगी, और जो अपनी जॉब में किसी तरह का ट्रांसफर पाना चाह रहे थे, यानी अपने घर के पास आप ट्रांसफर पाना चाह रहे थे, वो ट्रांसफर भी आपका इस समय हो जाएगा। सबसे अच्छे जो योग बनेंगे वो बनेंगे 15 नवंबर के बाद, या 16 नवंबर से मान लीजिए, जब सूर्य यहां अपनी नीचस्थ राशि से आपके केंद्र राशि का स्वामी जब केंद्र में आएगा। बुधादित्य राजयोग तो बनेगा ही, लेकिन आपका ट्रांसफर भी होगा, आपके घर के पास ट्रांसफर हो जाएगा, आपकी जो जॉब में दिक्कतें चल रही थी वो दिक्कतें दूर हो जाएंगी, सरकारी विभाग से जुड़ा हुआ कोई कार्य था तो वो आपका पूरा हो जाएगा, सरकारी योजनाओं से मिलकर काम करते हैं तो वो काम पूरे होंगे, प्रॉपर्टी को बेचने का कार्य था, प्रॉपर्टी खरीदने का कार्य था,
वो कार्य आपके अच्छे होंगे, अड़चने आ रही थी वो अड़चने भी आपकी दूर हो जाएंगी। यानी राशि स्वामी का केंद्र में आना और बुधादित्य राजयोग बनाना ये जबरदस्त लाभ देगा 16 नवंबर से, बहुत उत्तम। और उससे पहले क्या रहेगा कि 7 नवंबर से शुक्र और बुध का यहां एक इतना उत्तम नारायण योग बना हुआ है कि इस नारायण योग से आप इस समय में जो एक्सपोर्ट इंपोर्ट का काम आपका जो प्रॉब्लम चल रही थी ना वो आपका ठीक हो जाएगा। भूमि भवन से संबंधित चीजें थी वो आपकी ठीक हो जाएंगी। और इस समय अवधि में सूर्य जैसे ही गोचर करेंगे, सूर्य के गोचर करते ही आपका जो कार्य क्षेत्र है वो स्टेबल होता हुआ दिखाई देगा। धन की अगर मैं बात करूं, लाभ की अगर मैं बात करूं, तो देखिए धन का स्वामी कौन है आपका? धन के स्वामी बुधदेव हैं, लाभ के स्वामी भी बुधदेव है जो केंद्र में बैठे हैं और केंद्र में ही रहेंगे। यानी कि हर तरफ से लाभ मिलेगा। नौकरी कर रहे हैं, व्यापार कर रहे हैं, आप बिजनेस कर रहे हैं, आपका शेयर मार्केट से जुड़ा है, विदेश से एक्सपोर्ट इंपोर्ट का काम है, इन सभी कार्यों से जबरदस्त धन की प्राप्ति है, लाभ की प्राप्ति है, सुख वैभव की प्राप्ति है। क्योंकि यहाँ इतने अच्छे संयोग इस महीने में है जो अब तक के सबसे अच्छे संयोग है। संयोग क्यों है? क्योंकि जब हमारी लग्न का स्वामी होता है, यानी लग्न का स्वामी अगर मजबूत है तो बहुत सारी चीजों को तो वही कवर कर लेता है। सूर्य आ जाएंगे केंद्र में तो सारी चीजें कवर हो गई। उसके बाद धन का स्वामी और आपके यहाँ लाभ का स्वामी वो भी सूर्य के साथ बैठा हुआ है, तो एक ऐसी मजबूत बॉन्ड हो गई जो करियर को ऊंचाई पर लेकर जाएगा, फेम दिलाएगा अपने काम के जरिए। प्रॉपर्टी बेचने खरीदने में प्रॉब्लम थी उनको ठीक कर पाएगा, तो बहुत उत्तम रिजल्ट आपको इसके देखने को मिलेंगे। अब प्रेम जीवन और वैवाहिक जीवन, तो वैवाहिक जीवन में मैं कहूंगी सावधानी रखनी है, क्योंकि विवाह का भाव ये है, यहां शनि वक्री है 15 नवंबर तक। तो जिन लोगों के वैवाहिक जीवन में कंडीशन काफी बुरी हो चुकी है, डायवोर्स तक पहुंच चुकी है, या आपस में बन नहीं रही है, बहुत प्रॉब्लम चल रही है, वो थोड़ा सा सतर्कता बरतें, थोड़ा समय आप बस सावधानी रखें, थोड़ा सा समय संयम से पेश आए, उसके बाद स्थितियां ठीक होंगी। शनि के मार्गी होने पर थोड़ा बहुत स्थितियों में परिवर्तन जरूर होगा, लेकिन हाँ इस महीने थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है वैवाहिक जीवन में। लेकिन प्रेम जीवन की मैं बात करूं तो प्रेम जीवन में कहूंगी 7 नवंबर को जब शुक्र आएंगे आपके पंचम भाव में, तो पंचम भाव में शुक्र के आने से प्रेम संबंध बहुत मधुर हो जाएंगे, प्रेम विवाह के भी योग बनेंगे। प्रेम संबंध के लिए बहुत अच्छा है 7 नवंबर से, प्रेम विवाह के लिए भी बहुत अच्छा है। जो प्रेम विवाह करना चाहते हैं अपने घर वालों से बात करेंगे, आपके घर वालों के साथ आपका बॉन्ड अच्छा हो जाएगा, आपके विवाह को मंजूरी मिलेगी, उनके लिए अच्छा है। और साथ ही नए रिश्ते आने हैं, नए रिश्ते आपके लिए आएंगे, तो उस चीज के लिए अच्छा है। साथ में ये भाव संतान का भी है और संतान भाव के स्वामी वक्री हैं, तो संतान की एक तो हेल्थ थोड़ा प्रभावित हो सकती है, संतान की जो शिक्षा है वो थोड़ा सा प्रभावित हो सकती है, तो उसमें थोड़ी सी दिक्कतें जरूर देखने को मिल सकती हैं। लेकिन प्रेम जीवन के मामले में बहुत अच्छा है, शेयर मार्केट के मामले में भी बहुत अच्छा है, उत्तम रिजल्ट है। विदेश से व्यापार, विदेश से एक्सपोर्ट इंपोर्ट, उसके लिए भी काफी अच्छे रिजल्ट देखने को मिलेंगे। अब नेगेटिव कहां है, तो देखिए एक चीज, एक प्लैनेट को अगर हम देखें तो मंगल 12वें घर में नीच का होकर बैठा है। ये क्या कराएगा? ये आपके, आपने पैसा बहुत कमाया, आपका व्यापार अच्छा चला, नौकरी अच्छी चली, दुकानदारी है वो बहुत अच्छी चली, डिसीजन लेते समय सावधानी, इन्वेस्टमेंट ऐसा कर दिया बिना सोचे समझे, गलत जगह पैसा डूब गया, शेयर मार्केट में नॉलेज नहीं थी, लैक ऑफ नॉलेज की वजह से आपने पैसा लगा दिया, पैसा डूब गया। यानी कि गलत डिसीजन लेना, बिना वजह के, बिना किसी की जानकारी के पैसा लगाना, ये आपके पैसे को डुबोने का कार्य कर सकता है। गलत इन्वेस्टमेंट, गलत ट्रेड, किसी भी तरह से वो ऐसा, गलत प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करना, गलत चीजों की खरीदारी, यानी कि आपके पास कोई चीज पहले से है लेकिन देखा देखी में आपने फिर से वो खरीद ली, गलत गैजेट खरीद लिया, तो ये जो चीजें है ना ये थोड़ा आपके खर्चे को बढ़ाएंगी, पैसे को इफेक्ट करेंगी। तब क्या होगा, पैसा कमाया और वो आपका क्या रहा कि पैसा तो बचा ही नहीं, पैसा तो संचित ही नहीं हुआ। तो इस 12वें भाव को कंट्रोल करके चलना है आपको, और वो कैसे कंट्रोल होगा,
खर्चों पर नियंत्रण रखें, कोई भी इन्वेस्टमेंट करते हैं उससे पहले बहुत बार सोचें, समझें, हर उसकी नेगेटिव प्लस पॉइंट को समझकर करना है। अगर आपने खर्चे को कंट्रोल कर लिया और मैं उपाय बताऊंगी वो कर लिए, तब आप चीजों को संभालने का कार्य कर सकते हैं। लेकिन बाकी चीजें अच्छी हैं, ससुराल पक्ष से आपकी बॉन्डिंग अच्छी रहेगी, ससुराल पक्ष से अच्छे से आप बॉन्ड बना के चलेंगे। अच्छा, पिता के साथ थोड़ा सी अनबन हो सकती है, पिता के साथ थोड़ा सा ध्यान रखें। माता का स्वास्थ्य बहुत अच्छा रहेगा, ये माता का घर होता है, चौथा घर, पहले शुक्र और बुध, उसके बाद सूर्य और बुध, तो माता के साथ बॉन्डिंग बहुत अच्छी होने वाली है, माता की हेल्थ भी अच्छी रहेगी। सूर्य यहां बैठे हैं तो बेकार के थोड़े से ट्रेवल आपके ज्यादा रह सकते हैं। कब? 15 नवंबर तक, 16 नवंबर से स्थितियां बदल जाएंगी, लेकिन उससे पहले छोटे छोटे ट्रेवल ऐसे हो सकते हैं जो थोड़ा सा परेशान कर दे, थोड़ा आपको यहाँ मेंटली टेंशन दे दे, लेकिन जब ये राशि बदलेंगे तो सबसे ज्यादा शुभ समय आपके लिए शुरू हो जाएगा। शनि का मार्गी होना कई मायनों में विशेष रहेगा, शनि की तीन दृष्टियां होती हैं, एक तो आपके लग्न को भी देख रहे हैं, तो अपने काम पर सबसे ज्यादा ध्यान देना है। कर्म प्रधान, कर्म को ही शनि देखते हैं, कर्म पर ध्यान दें, जितना कर्म करेंगे उतना ज्यादा बेनिफिट पाएंगे, और जब राशि का स्वामी मजबूत हो तो आप अपने कर्मों के द्वारा वो फेम पा सकते हैं जो फेम आप पाना चाहते थे। विदेश से जुड़े हुए जो आपके ट्रेवल है वो आपके लिए बहुत अच्छे रहने वाले हैं, बुध यही रहेंगे विदेश के कारक, और साथ में सूर्य आ जाएंगे, 16 नवंबर से सूर्य का यहाँ से बहुत अच्छा प्रभाव रहेगा। कुछ वीजा मिलने में प्रॉब्लम हो रही थी, पासपोर्ट में प्रॉब्लम हो रही थी, तो उन स्थितियों में आपको बदलाव देखने को मिलेंगे, आपकी जो प्रॉब्लम चल रही थी उसको, आपकी प्रॉब्लम को सॉल्व करने में आपको किसी की मदद भी प्राप्त होगी, तो वो चीजें भी आपके लिए अच्छी रहेंगी। नेगेटिव क्या होने वाला है? ये भाव विदेश से जुड़ा, गलत तरह का इन्वेस्टमेंट, क्योंकि इन्वेस्टमेंट का भाव यही होता है, गलत इन्वेस्टमेंट, गलत जगह पैसा लगाना, चाहे वो शेयर मार्केट में हो, प्रॉपर्टी में हो, किसी भी चीज में हो, गलत चीजों की खरीदारी करना, यानी व्यर्थ का खर्चा, ये खर्चे का है, व्यर्थ का खर्चा, जो चीजें हैं उनको खरीदना, जिनकी जरूरत नहीं है उनको खरीद लिया, तो उसको थोड़ा कंट्रोल करें, उसके लिए मैं आपको उपाय बताने वाली हूँ। हेल्थ की बात कर लेते हैं, हेल्थ का ध्यान रखें, पेट संबंधी दिक्कतें हो सकती हैं, कुछ डाइजेशन प्रॉब्लम आपको हो सकती है, उसका ध्यान रखें। राहु अष्टम में बैठे हैं, केतु दूसरे घर में बैठे हुए हैं, तो हेल्थ का थोड़ा ध्यान रखते हुए चलना होगा। कोई भी इश्यू होता है तो आप डॉक्टर के पास जाकर परामर्श लें, उसको ऐसे ही इग्नोर ना करें, तो उस चीज का ध्यान रखें। अब उपायों की बात करते हैं, तो आपको उपाय क्या करना चाहिए। सबसे पहले तो मंगल देव का उपाय करना है, मंगल के बीज मंत्र का जाप करें, हनुमान चालीसा का पाठ करें या फिर, और एक लाल चंदन का टीका प्रतिदिन लगाएं, इस उपाय को आपको जरूर करना है ताकि आपको उसका उचित लाभ देखने को मिल सके, और साथ ही चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो बस आज की इस वीडियो में इतना ही, जय माता दी।